तमीज की सारी किताबें दुकानों से खरीद लो, तीनों एडिशन, एक अपने लिए, एक अपनी बेटी के लिए और एक इसके लिए। ये कैसा मायका है जहां मेरी पत्नी इस घर की बेटी पर लोग चिल्ला रहे हैं और तुम सब मुंह उठाकर तमाशा देख रहे हो। कमाल मायका। आज अनु के अनुज को इसके बिहाफ पे लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? ऐसा ही करते हैं। मैं हिसाब का बहुत पक्का हूं और जब तक मैं सबके गुनाह ना गिनूं, हिसाब बराबर का होगा कैसे? बाकी तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि मेरे आने से पहले यहां क्या हुआ सब पता चल रहा है। Really bad, didn't expect from you. तो ये मिस पाखी वनराज शाह कि आज मैं आपकी माँ को आपके घर से वापस ले जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद आप अपनी माँ के घर में नजर नहीं आएंगी। ये तो कभी मत सोचना कि तुम वहां अधिक से मिलने आओगी, क्योंकि ये अनुज कपाड़िया अपने पे आ गया तो अधिक घर पर नहीं, सड़क पर मिलेगा। Then I shall see कि आपको अधिक में ज्यादा इंटरेस्ट था कि उसके स्टेटस, उसके पैसे, उसके लाइफस्टाइल पर था। तुम्हें ये समझ नहीं आएगा वनराज, क्योंकि तुमने अपनी पहली बीवी को भी अपनी दुनिया नहीं माना और अब अपनी दूसरी बीवी को भी नहीं मानते। चित्रा। On that note, काव्या, a girl like you deserves much, much, much better. तमीज की सख्त जरूरत तुम्हें है वनराज। इनफैक्ट एक काम क्यों नहीं करते, तुम तमीज की सारी किताबें दुकानों से खरीद लो, तीनों एडिशन, एक अपने लिए, एक अपनी बेटी के लिए और एक इसके लिए। और फिर एक काम करना, तीनों छत पे जाना और एक साथ मिल बांट के तीनों किताबें पढ़ना, कुछ फायदा होगा। कर रहे हो तुम, लिहाज कर रहे हो? अगर तुम लिहाज करते तोशु तो अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख पाते। मेरे घर में मेरे बच्चों से मुझे बदतमीजी बरता, और मैंने भी तुझसे पहले कहा था कि मुझे अनु के साथ बदतमीजी करने वाले बर्दाश्त नहीं है। मुझे गुस्सा मत कर, मैं तेरी जान ले लूंगा। तो ले ना।